जनपद जालौन के कोंच तहसील के ग्राम खक्कल में कुछ समाज सेवी संगठनों एवं ग्राम प्रधान के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान लगातार पिछले 4 दिनों से चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा गांव की गलियों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। जितेंद्र पांडे ने कहा कि खुले में शौच से मुक्त हो, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को वॉलंटियर के रूप में निगरानी के लिए कहा कि गांव के समस्त घरों में शासन के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, निर्माण कराया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए, क्योंकि खुले में शौच जाने से तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। हमारी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, खकल तुमरा और खकल। तो पहले हम खकल को ODF करना चाहते, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त बनाना चाहते। तो यहाँ पूरे गांव में किसी भी घर, कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें शौचालय ना बना हो, और कोई भी व्यक्ति करीब 15 दिन बाद कोई व्यक्ति बाहर शौच के लिए नहीं जाएगा। तो इसमें कौन कौन से संगठन आपका सहयोग कर रहे हैं? हमारा NGO और हमारे विभाग से, पंचायत विभाग से 5 लोग यहाँ भेजे गए हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है, 5 दिन हम लोग पूरे गाँव में लोगों को प्रेरित करेंगे। आप जो जागरूकता अभियान चलाया, तो इसमें कितने सफल हुए अभी तक? हम इसमें करीब अभी 2 दिन से 30% सफल हो गए। हमने यहाँ करीब 14 गड्ढे खुदवा दिए हैं, 1 गड्ढा हमारा निर्मित हो गया है, और इस गांव में लगभग हमें 70 शौचालय बनवाना पड़ेंगे, तो पूरा गांव हमारा संतृप्त हो जाएगा। गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं सहयोग कर रही, लड़कियाँ सहयोग कर रही, गाँव के संभ्रांत व्यक्ति सब सहयोग कर रहे हैं। लोगों ने भाग लिया इस अभियान में? हमारे ADO पंचायत साहब, सचिव साहब, और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मी, TA और पंचायत मित्र, आंगनबाड़ी, ANM, प्रेरक, सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 5-5 बनवा रहे हैं। वॉलंटियर आपने ऐसे निर्धारित किए जो गांव में निगाह रखे कि कोई आदमी खुले में शौच न जाए? हाँ, हमने एक टीम गठित की है, उसमें वॉलंटियर बनाए हैं, उनको ड्रेस दी है, टोपी दी है, वो लोग गांव में घूम के, लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं और महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे, तो वो सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे के बाद शुरू होते हैं, और जो बाहर शौच के लिए जाते हैं उनको समझाते हैं और बताते हैं कि जब प्रत्येक घर में शौचालय बन जाए, जब तक शौचालय नहीं बना है तब तक आप खुरपी लेकर जाएं और उसको मल को ढक दें।